क्या सचमुच ऐसा भी हो सकता है? सीरीज का कॉन्सेप्ट फिक्शनल है, दिल पर मत लेना, एक आंख से देखना दूसरे से निकाल देना, कहीं से भी निकाल देना, लेकिन भाई निकाल देना। अब भी मैं माँ देवरानी बेटी जेठानी वेब सीरीज के ट्रेलर को देख कर आ रहा हूँ, और इस ट्रेलर में क्या अच्छा है क्या बुरा है यही मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मोहित भाई इंट्रो दे दो सबको। हम नहीं देगा, भूल जाओ। अरे मैंने मोहित भाई को तो इस महीने की पेमेंट ही नहीं दी। अरे भाई तू पेमेंट ले लियो, पहले इंट्रो लेकर आ जा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को अपडेट में बताया था, प्रिया गामरे और मिष्टी बासु हम लोगों को एक साथ एक सीरीज में देखने को मिलेंगी, वो भी दोनों माँ बेटी के कैरेक्टर में। लो फाइनली अपडेट करेक्ट हुई। बस यहाँ पे दिक्कत ये हो गई कि ये रंगीली रागनी से पहले रिलीज हुई। अब ये दुख की बात है या खुशी की ये मेरे को नहीं पता, लेकिन फाइनली ट्रेलर आ गया। तो अगर मैं इस सीरीज के ट्रेलर को एक लाइन में एक्सप्लेन करूं तो ट्रेलर यहाँ पे मुझे ठीक ही ठाक देखने को मिला है। सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है वो ओके है, ज्यादा कमाल का मैं नहीं। ये सीरीज आप लोगों को 11 मार्च को देखने को मिलेगी और इसमें आप लोगों को टोटल 3 एपिसोड देखने को मिलेंगे। और देख लेना, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि इसका पार्ट 2 भी हम लोगों को देखने को मिलेगा। सीरीज की स्टोरी पार्ट 1 में अधूरी रह जाएगी। अगर हम लोग एक तरफ से देखें तो इसका पार्ट 2 आ भी सकता है, और एक तरफ से हम लोग देखें तो इसका पार्ट 2 नहीं भी आ सकता है, लेकिन चांसेस काफी हैं कि इसका पार्ट 2 हम लोगों को देखने को मिले। अब हम बात करें सीरीज की स्टोरी क्या दिखाने की कोशिश कर रही है, तो स्टोरी में हम लोगों को एक माँ बेटी को दिखाया गया है। बेटी की यहाँ पे एक लड़के से शादी हो रही है। मिष्टी बासु हम लोगों को बेटी की कैरेक्टर में नजर आएंगी, और उल्लू वालों का यहाँ पे खेल देखो, हर बार प्रिया गामरे को माँ का ही रोल दिया जा रहा है। अभी इससे पहले इनकी एक सीरीज आई थी, उसमें भी प्रिया गामरे ने माँ का कैरेक्टर ही प्ले किया था। अब यहाँ पे ऐसा क्यों मैं आप लोगों को बताता हूँ, उल्लू वालों की स्ट्रेटेजी है प्रिया गामरे को आंटी के रोल में रखना, क्योंकि प्रिया गामरे को लोग आंटी के रोल में देखना काफी ज्यादा पसंद करते हैं, साथ ही साथ माँ के कैरेक्टर में भी। अब भाई किसी एक्ट्रेस को आंटी का रोल देकर अच्छी खासी टीआरपी मिल रही है, तो उल्लू के प्रोडक्शन पीछे कैसे हट सकते हैं। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। अब फिर से आते हैं हम स्टोरी पे। तो स्टोरी में हम लोगों को दिखाया गया मिष्टी बासु के जो जेठ जी हैं, उनको प्यार हो जाता है मिष्टी बासु की माँ से। अब यहाँ पे मिष्टी बासु के साथ साथ मिष्टी बासु की जो माँ है वो दोनों एक ही घर की बहू बनने वाली हैं। सीरीज का ट्रेलर यहाँ पे मुझे सचमुच एकदम अटपटा लगा। सीरीज में आगे क्या होने वाला है, प्रिया गामरे कैसे मिष्टी बासु की देवरानी बनेंगी, इसके लिए हम लोगों को सीरीज देखना होगा। सीरीज में आगे क्या होगा ये तो मैं सीरीज के रिलीज होने के बाद ही आप लोगों को बता पाऊंगा। तो बस ये थी वो रिव्यू जो मैं आप लोगों को देना चाहता था। तो इसी के साथ मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों से किसी अपनी अगली वीडियो में।